अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीख लिया है। हमारा आज और आने वाला फ्यूचर सिर्फ अंशुमन जी का है। हम सिर्फ अंशुमन जी के और तुम्हारे कभी नहीं हो सकते, ये बात गांठ बांध लो। प्लीज जाइए यहाँ से, इससे पहले कि नंदन आपको देख ले और आपको जेल भिजवाते, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है सुमन। मैं तुम्हें खाना खिलाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला, भले इसके लिए मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। प्लीज जाइए यहाँ से, नंदन आ जाएगा। नहीं सुमन, मैं तुम्हें खाना खिलाए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। अंशुमन जी हमारे। सुमन, 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 क्या हुआ सुमन? सुमन, ये कैसी आवाज है? अंशुमन जी हमारी बात सुनो। तुम पानी पियो। अंशुमन जी नंदन आ जाएगा तो आप जेल भिजवा देगा, प्लीज जाइए, हम कह रहे हैं आपसे जाइए यहाँ से प्लीज। सुमन, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, चाहिए यहाँ से प्लीज। वही रुक जाओ। वही रुक जाओ। खबरदार, हमने जो तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा खींची है ना, उसे पार करने की कोशिश भी मत करना, वरना हम तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर देंगे कि तुम जबरदस्ती हमारे साथ मारपीट करते हो। नंदन, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, इसे पार मत करना वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। हमारी इज्जत खतरे में है तुम्हारे साथ, ये सब कंप्लेन कर देंगे हम। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बस यहाँ पे ये चेक करने आया कि बिग बी यहाँ आया नहीं, क्योंकि मुझे आवाज सुनाई दी। मन तो मैला है ही, कम से कम अपना चेहरा तो धोकर आओ ताकि तुम्हें साफ साफ दिखे। हमारा पैर टकरा गया था और वाज गिर गया और कुछ नहीं था। शक की भी एक लिमिट होती है, आदमी हो। सुमन,
तुझे बच्चिया। शांत हो जाओ सुमन, सब ठीक है। मेरी कसम, मुझे खाना खिलाने तो, वरना तो इसके आगे कुछ मत बोलिएगा प्लीज। दादा, अभी हम कहाँ देख के आ रहे हैं? बड़की समधन कहाँ बताएं आपको? मनिया अपने कमरा में बंद है, और उसका असली पति बेचारा नंदन बाबू कमरा के बाहर नौकर के जैसा सो रहा है। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि सुमनिया इतनी निर्दयी, इतनी निष्ठुर हो जाएगी, सपना में भी नहीं सोचे थे। बताइए भला, टूटे हुए घड़ी के खराब समय की तरह तुम्हारा भी खराब समय ना ला दिए सुमन तो कहना। बहुत तकलीफ दी हो तुम हमारे नंदन बहुआ को। तुम्हारे लिए तो हम ऐसा सजा तैयार करेंगे ना कि तुम्हारा हर एक पल पहले से ज्यादा तकलीफ वाला होगा। क्या बेतुकी पाबंदी है? अंशुमन खुद अपने ही घर में तुमसे और सुमन से 20 फीट दूर रहेगा। ये नोटिस कोर्ट का निर्देश है, उसी हिसाब से रहना, वरना आपको ये घर छोड़ना पड़ जाएगा। नंदन उठो, नंदन हमने कहा उठो, हटो यहाँ से। हम सुमन के लिए चाय नाश्ता लेके आए हैं। नंदन उठो, हटो। अंशुमन से भी पूछ लेते हैं उसने खाना खाया या नहीं। क्या हुआ मां? बिग्बी को ट्राई कर रही हो फोन? चिंता हो रही है ना उनकी कि रात भर कहां रहे होंगे, कैसे होंगे।
ये तो बिग बी का रिंगटोन है ना, मतलब वो अंदर ही है। अब कुछ भी हो जाए तो इन्हें ना जेल भिजवा के दूंगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बिग बी अंदर ही है। अंदर ये जेल तो भिजवा करूंगा, तुम दरवाजा खोलो, मैं अच्छे से जानता हूँ बिग बी अंदर ही है। कुछ भी हो आज तो उन्हें जेल भिजवाऊंगा। नंदन दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा, सच बता रहा हूँ। सुमन दरवाजा खोलो। मैं अच्छे से जानता हूँ बिग बी अंदर ही है। कुछ भी हो जाए आज उन्हें ना जेल भिजवा के रहूंगा, देख लेना। नंदन ये सब क्या कर रहे हो तुम? नंदन बंद करो ये सब। नंदन 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 रुको बेटा। नंदन सुमन रुको। सुमन मैं अच्छे से जानता हूँ बिग बी कमरे में ही थे। अंशुमन जी हमारे कमरे में थे या नहीं थे इससे तुम्हें क्या मतलब है? और नंदन ये सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तमाशा? डर गई ना तुम मुझसे? कि बिग बी को अगर मैं रंगे हाथ तुम्हारे कमरे में पकड़ लूंगा तो उन्हें जेल भिजवा दूंगा, राइट? इसलिए तुम कमरे से बाहर निकल कर आए। कहो कहो कहो, सच यही है। नंदन पागल हो गए हो क्या? कोई ऐसे किसी को परेशान करता है? अरे हमेशा नंदन बहुआ को काहे रोकती रहती हो छोटकी? कभी कभी अपने सुपुत्र राम को भी तो रोक के देखो, घर का वातावरण बदल जाएगा। माँ क्या कहा आपने? मैं पागल हो गया? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, और मुझे पागल बनाने वाली ये सुमन है। मैंने खुद बिग बी के फोन का रिंगटोन सुमन के कमरे में सुना था, और आपने भी सुना था, मां ने भी सुना था। हो क्या गया तुझे नंदन? सोचने समझने के साथ साथ तेरी सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई है क्या? फोन यहां बज रहा है और मैं कब से यहां खड़ा हूं? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? नंदन आपको अरेस्ट करा के जेल भिजवा दूंगा, समझे मिस्टर अंशुमन? अच्छा कैसे अरेस्ट कराएगा मुझे? मैं तुझसे और सुमन से 20 फुट की दूरी पे खड़ा था, और मैं कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी नहीं जा रहा। और कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से तुझे भी मेरे करीब नहीं आना चाहिए। क्या बकवास कर रही है? बिल्कुल सही सुना तूने नंदन, तूने ओवर स्मार्ट बन के मुझ पे कोर्ट के ऑर्डर्स की पाबंदी लगाई। अब देख मैं तुझसे 20 फुट की दूरी पे खड़ा था अपनी पत्नी का साथ देने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए। मुझे उसके करीब रहने की जरूरत नहीं। ये काम तो मैं दूर से भी कर सकता हूं, और तुझे भी कोर्ट के ऑर्डर्स का अपमान नहीं करना चाहिए। रही बात मेरी और सुमन की, तो हम दोनों दूर रहकर भी साथ हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का मन पढ़ सकते हैं। वैसे तू चाहे तो अपने लाए हुए इन ऑर्डर्स को पढ़ सकता है।
अच्छा, लगता है तुझे बात समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं तुझे एक और एग्जांपल देता हूं। ये कानूनी कागज के टुकड़े हमें फिजिकली दूर रख सकते हैं, लेकिन दिल से जुड़े 7 जन्मों के रिश्ते को कैसे दूर कर सकते हैं? हम दोनों को एक डोर आपस में बांधती है, प्यार की, विश्वास की, अपनेपन की। उनमें तो दूरियां कैसे लाएगा नंदन? कैसे तोड़ेगा उस अटूट बंधन को जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस किया जाता है? इतना काफी है या और एग्जांपल दूं? ये साबित करने के लिए कि तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे इस अटूट बंधन को कभी तोड़ नहीं पाएगा। अरे बंद करो अपना बेहयाई! अरे ये सब देखने के पहले हम मर ही जाते हैं भाई। आ! खत्म करो ये सब तमाशा है। बड़ी माँ, बड़ी माँ रुकिए प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? अरे दीदी रुकिए, क्या कर रही हैं आप? रुकिए दीदी। बड़ी माँ, आप क्यों मरेंगे? हाँ, अरे मरे आपके दुश्मन। और नंदन के होते हुए आप पर कोई आंच भी नहीं आएगी। अगर आपकी नजर में इस घर में पाप हो रहा है तो उसका प्रायश्चित भी होगा, समझे आप? और रही बात इन दोनों के बंधन की, तो आज सारा बंधन खत्म ही कर दूंगा मैं। रुक जा नंदन। अंशुमन, रुक जा अंशुमन, ये नंदन का बिछाया हुआ जाल है। हाँ बेटा, वो तुम्हें उकसा रहा है ताकि उसके बिछाए जाल में तुम फंस सको। नंदन रुक जाओ। नहीं बेटा रुक जाओ। नहीं बेटा, नहीं। अंशुमन रुको। कौन सा बंधन बांधता है तुम दोनों को? यही ना। नंदन,
बहुत हुआ। तूने आज ऐसी नीच हरकत की है जिसे कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रुक जाओ अंशुमन। और कितने थप्पड़ मारूं तुझे, किस हद तक गिर गए हो आज कि एक औरत के मंगलसूत्र पर तुमने हाथ डाल दिया। डाला मैंने मंगलसूत्र पर हाथ? तो मैंने वही किया जो एक पति को करना चाहिए। मेरी पत्नी के गले में किसी और के नाम का मंगलसूत्र मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। नंदन, अगर सुमन के गले में मंगलसूत्र होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम को, वरना नहीं होगा। बस करो, चुप हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। आज तुमने ये सारी बातें कर हमारी आत्मा को छलनी कर दिया है।